तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ हाउ वी गोइंग टू सॉल्व इट. ठीक है, इसमें सेट्स की अप्रोच है. सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ये सारे सीडीएस में पूछे गए क्वेश्चन हैं. ठीक है, दिस आर ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीडीएस दिस रिसेंट एग्जाम. सो इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 250 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड. वेरी गुड. आउट ऑफ दिस 50 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर फिजिक्स, 75 स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स एंड 35 स्टूडेंट्स फॉर बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स. So what is the number of students who have registered neither for physics nor for mathematics? Okay, chalo. So basically, if you know how to draw Venn diagram, okay, drawing Venn diagram is very important. We have direct few formulas also, but I'll draw Venn diagram for you. Okay, main aap log ke liye diagram, I'll draw one diagram. Basically, yahan par there are two subjects given to us. Venn diagram hum aise banate hain, in this way. Okay, ek circle ek set ko represent karta hai. और ये जो मैं रेक्टेंगल बाहर बना रहा हूँ, दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट. ठीक है, दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अ यूनिवर्सल सेट. सो व्हाट इज गिवन टू यू, 250 आर द टोटल स्टूडेंट्स. तो 250 टोटल स्टूडेंट्स हैं वो मैं बाहर लिखूंगा. ठीक है, इस रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल 250 स्टूडेंट्स हैं. आउट ऑफ दिस 50 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर फिजिक्स. ठीक है, इसको मैं पी मान लेता हूँ, दिस इज फिजिक्स, और इसको मैं एम मान लेता हूँ, दिस इज मैथ्स. Now you have to remember one thing, that this complete P is given 50 to you. ठीक है, मैं तो इस तरीके से लिखूंगा यहाँ पर, N of P is equal to 50. N of P is 50 given to you. And N of M, mathematics, number of students in mathematics is 75 given to you. ठीक है, so this whole P, ठीक है, ये मैं आपको let me highlight it through this yellow. ठीक है, this whole, the thing which I am highlighting, this whole is P. Okay, ये पूरा P है, ये पूरा P है. ठीक है, and मैं M को highlight करता हूँ, suppose pink से, and this whole is pink. अच्छा, can you visualize one thing, that एक common portion है जिसमें pink भी आ रहा है और yellow भी आ रहा है. ठीक है, ये common portion बड़ा important है. ठीक है, this common portion is very important. Okay, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर इस वेन डायग्राम में आई कैनॉट राइट डायरेक्टली 50, पी की जगह मैं 50 नहीं लिख सकता, क्योंकि उसमें कुछ पोर्शन मैथमेटिक्स का भी कॉमन है. उस कॉमन पोर्शन को निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका है. एंड व्हाट इज गिवन टू यू, 35 स्टूडेंट्स फॉर बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स. तो ये जो बीच का कॉमन हिस्सा है ना, दिस इज 35 गिवन टू यू. ठीक है, द कॉमन पोर्शन, दिस कॉमन पोर्शन इज 35. अगर एक कॉमन पोर्शन 35 आ गया, नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू फाइंड कि फिजिक्स में कितने हैं, ओनली इन फिजिक्स. सो दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये ओनली इन फिजिक्स है. तो ओनली इन फिजिक्स को निकालना मेरे लिए बड़ा इजी हो चुका है, क्योंकि टोटल फिजिक्स में कितने, टोटल फिजिक्स में वी हैव 50, और 50 में से जो कॉमन हिस्सा है वो 35 है. इफ़ यू विल डू 50 माइनस 35 यू विल गेट 15 हियर. ठीक है, तो स्पेसिफिकली वो 15 आ गया. ओके, so now n of m, this whole m is given to you 75, this whole m, this whole pink, but this common portion is 35. तो अगर मैं सिर्फ ये pink वाला portion निकालने की कोशिश करूँ, so I'll do 75 minus 35 and I'll get here 40. Now it's very easy to calculate for me, and which are the number of students who have registered neither for physics nor for mathematics. See, total there are 250 students, जिसमें सिर्फ physics वाले 15 हैं. ओके, सिर्फ मैथ्स वाले 40 हैं, और दोनों में कॉमन है वो 35 हैं, कॉमन वाले 35 हैं. तो अगर मैं टोटल में से ये फिजिक्स, मैथ्स और कॉमन वाले हटा दूं, सो आई विल गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दोज हु हैव नाइदर रजिस्टर्ड फॉर फिजिक्स नॉर फॉर मैथमेटिक्स. ठीक है, तो ये वेन डायग्राम से आपको क्या निकालना है मैं वो भी बता देता हूँ, जो मैं ये ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ. दिस पोर्शन, ये जो आउटर पोर्शन है ना, दिस यू हैव टू कैलकुलेट. दिस आउटर पोर्शन, ये आउटर पोर्शन कौन सा पोर्शन है, दिस आउटर पोर्शन states the students, those who have not registered for physics and maths. ठीक है, चलो, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, सो इट विल गोइंग टू बी वेरी इजी डायरेक्टली. हाँ, डायरेक्टली ऑल्सो आई कैन सॉल्व हियर. ठीक है, अगर मैं 250 माइनस, ओके, अब बेटा यू हैव टू रिमेंबर देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, आपको ये देखना है कि जब भी वेन डायग्राम बनेगा उसमें कितने पार्ट्स हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर. ओके, तो सपोज इफ दिस इज अ वेन डायग्राम,
इफ दिस इज अ वेन डायग्राम, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, देयर आर थ्री पार्ट्स, और उन तीनों पार्ट्स को सेपरेटली लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस पार्ट इज फर्स्ट पार्ट, ओके, एंड दिस कॉमन पोर्शन इज सेकेंड पार्ट बीच का, एंड दिस इज थर्ड पार्ट. तीनों को सेपरेटली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें सेट्स के क्वेश्चंस बहुत जल्दी से करने हैं तो वो. और अगर आपको ये जो पहला पार्ट है अगर ये पूरा दिया होगा तो यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट इट. ठीक है, तो पहले आपको कॉमन वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा. सो इन दिस वे ओनली आई हैव सॉल्व दिस. ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अगर टोटल 250 में से मैं कितना माइनस कर दूँ, 15 प्लस 35 प्लस 40, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस, सो ये कितना जाएगा, 250 माइनस ब्रैकेट में हाउ मच इट विल गोइंग टू कम, 35 एंड 50, 35 एंड 15 विल गोइंग टू गिव मी 50. ओके, सो ये आ गया 50 प्लस, सो 250 माइनस 90 विल गोइंग टू गिव मी 160.